स्वागत है आपके अपने चैनल के टू फैंटासी स्पोर्ट्स में। टाटा आईपीएल राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स, डेट 5 अप्रैल 2023, टाइम शाम के 7:30 बजे, मैच नंबर 8। मैच वेन्यू की बात करें, स्वाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर इंडिया में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें, यह एक गेंदबाजी की पिच है। इस पिच पर अब तक कुल 1 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 1 मैच जीते हैं और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 0 मैच जीते हैं। इस पिच पर औसत स्कोर 164 है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना सही फैसला होगा। वेदर रिपोर्ट की बात करें, जयपुर में मौसम साफ है। मैच के दिन तापमान 54% आर्द्रता और 5.0 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की गति के साथ लगभग 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वही विजिबिलिटी 7 किलोमीटर है। खेल के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। फाइनल टीम की अपडेट आपको टेलीग्राम की चैनल पर मिलेगा। टॉस एंड प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्वाई मानसिंह स्टेडियम स्कोर रिकॉर्ड की बात करें तो टोटल मैच 1 खेला गया है। बैटिंग फर्स्ट वाले 0 मैच जीते हैं, बॉलिंग फर्स्ट वाले 1 मैच जीते हैं। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 164 है, सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 166 है, हाईएस्ट टोटल 166 है 5 विकेट के नुकसान पर। हाईएस्ट चेस्ट वाई 166 5 विकेट के नुकसान पर। राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम इंजरी की बात करें तो इसका अभी तक कोई चोट अपडेट नहीं है। पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम इंजरी की बात करें तो इसका भी अभी तक कोई चोट अपडेट नहीं है। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स हाल के मैचों में अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं तथा उसकी टीम पंजाब की तुलना में मजबूत दिख रहे हैं। वे मैच जीतने के लिए पसंदीदा है। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स हेड टू हेड की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स 14 मैच जीते हैं, जबकि पंजाब किंग्स 10 मैच जीते हैं। राजस्थान रॉयल्स टीम की बात करें तो पहले विन, फिर लॉस, फिर विन, फिर लॉस और आखिरी में 1 विन। यशस्वी जायसवाल इसका करंट फॉर्म की बात करें तो 37 बॉल पर 54 रन की पारी खेले, 416 बॉल पर 357 रन की पारी खेले, 54 बॉल पर 88 रन की पारी खेले, 13 बॉल पर 14 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 63 बॉल पर 66 रन की पारी खेले थे। लास्ट आईपीएल फॉर्म की बात करें तो 37 बॉल पर 54 रन की पारी खेले, 16 बॉल पर 22 रन की पारी खेले, 13 बॉल पर 21 रन की पारी खेले, 8 बॉल पर 3 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 44 बॉल पर 59 रन की पारी खेले थे। जॉस बटलर की बात करें तो विकेट कीपर है, इसका करंट फॉर्म की बात करें तो 22 बॉल पर 54 रन की पारी खेले, 31 बॉल पर 40 रन की पारी खेले, 6 बॉल पर 4 रन की पारी खेले, 42 बॉल पर 67 रन की पारी खेले थे और आखिरी मैच में 24 बॉल पर 26 रन की पारी खेले थे। लास्ट आईपीएल फॉर्म की बात करें तो 22 बॉल पर 54 रन की पारी खेले, 35 बॉल पर 39 रन की पारी खेले, 60 बॉल पर 106 रन की पारी खेले, 56 बॉल पर 89 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 5 बॉल पर 2 रन की पारी खेले थे। संजू सैमसन की बात करें तो यह टीम का कैप्टन है, साथ ही विकेट कीपर भी है। इसका करंट फॉर्म की बात करें तो 32 बॉल पर 55 रन की पारी खेले, 6 बॉल पर 5 रन की पारी खेले, 54 बॉल पर 46 रन की पारी खेले, 161 बॉल पर 151 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 117 बॉल पर 87 रन की पारी खेले थे। लास्ट आईपीएल फॉर्म की बात करें तो 32 बॉल पर 55 रन की पारी खेले, 11 बॉल पर 14 रन की पारी खेले, 21 बॉल पर 23 रन की पारी खेले, 26 बॉल पर 47 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 20 बॉल पर 15 रन की पारी खेले थे। देवदत्त पडिक्कल की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है, 5 बॉल पर 2 रन की पारी खेले थे, 16 बॉल पर 16 रन की पारी खेले, 121 बॉल पर 69 रन की पारी खेले, 177 बॉल पर 114 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 57 बॉल पर 29 रन की पारी खेले थे। लास्ट आईपीएल फॉर्म की बात करें तो 5 बॉल पर 2 रन की पारी खेले, 10 बॉल पर 2 रन की पारी खेले, 12 बॉल पर 9 रन की पारी खेले, 20 बॉल पर 28 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 9 बॉल पर 3 रन की पारी खेले थे। रियान पराग की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है, 6 बॉल पर 7 रन की पारी खेले, 35 बॉल पर 81 रन की पारी खेले, 18 बॉल पर 25 रन की पारी खेले, 6 बॉल पर 13 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 9 बॉल पर 12 रन की पारी खेले थे। पहला मैच में यह बॉलिंग नहीं किए थे, अगला मैच में 33 रन देकर 3 विकेट निकाले, फिर 24 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 39 रन देकर 1 विकेट निकाले और आखिरी मैच में 22 रन देकर 2 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए।
लास्ट आईपीएल फॉर्म की बात करें तो 6 बॉल पर 7 रन की पारी खेले, 15 बॉल पर 15 रन की पारी खेले, अगला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आया था, फिर 3 बॉल पर 4 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 10 बॉल पर 10 रन की पारी खेले थे। यह अपने टीम के लिए एक भी मैच में यह बॉलिंग नहीं किए थे। सिमरन हेटमायर की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है, 16 बॉल पर 22 रन नॉट आउट की पारी खेले थे, 13 बॉल पर 25 रन की पारी खेले, 1 बॉल पर 0 रन की पारी खेले, 21 बॉल पर 36 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 35 बॉल पर 54 रन की पारी खेले थे। लास्ट आईपीएल फॉर्म की बात करें तो 16 बॉल पर 22 रन नॉट आउट की पारी खेले, 12 बॉल पर 11 रन की पारी खेले, 3 बॉल पर 2 रन की पारी खेले, 7 बॉल पर 4 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 7 बॉल पर 6 रन की पारी खेले थे। रविचंद्र अश्विन की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है, 2 बॉल पर 1 रन नॉट आउट की पारी खेले थे, 12 बॉल पर 7 रन की पारी खेले, 40 बॉल पर 19 रन की पारी खेले, 71 बॉल पर 37 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 62 बॉल पर 23 रन की पारी खेले थे। यह अपने टीम के लिए बॉलिंग किए थे जो 27 रन देकर 1 विकेट निकाले, 149 रन देकर 7 विकेट निकाले, 88 रन देकर 4 विकेट निकाले, 116 रन देकर 6 विकेट निकाले और आखिरी मैच में 79 रन देकर 8 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। लास्ट आईपीएल फॉर्म की बात करें तो 2 बॉल पर 1 रन नॉट आउट की पारी खेले, 9 बॉल पर 6 रन की पारी खेले, अगला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, फिर 1 बॉल पर 2 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 23 बॉल पर 40 रन की पारी खेले थे। ये अपने टीम के लिए बॉलिंग किए थे जो 27 रन देकर 1 विकेट निकाले, 32 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 31 रन देकर 1 विकेट निकाले, 40 रन देकर विकेट लेस रहे और आखिरी मैच में 28 रन देकर 1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। जेसन हॉर्डर की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है, पहला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, अगला मैच में 9 बॉल पर 13 रन की पारी खेले, फिर अगला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, फिर 43 बॉल पर 36 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 20 बॉल पर 15 रन की पारी खेले थे। ये अपने टीम के लिए बॉलिंग किए थे जो 16 रन देकर 1 विकेट निकाले, 42 रन देकर 1 विकेट निकाले, 48 रन देकर 1 विकेट निकाले, 66 रन देकर विकेट लेस रहे थे और आखिरी मैच में 45 रन देकर विकेट लेस रहे थे। लास्ट आईपीएल फॉर्म की बात करें तो लगातार 2 मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, अगला मैच में 2 बॉल पर 1 रन की पारी खेले, फिर 2 बॉल पर 1 रन की पारी खेले थे और आखिरी मैच में 4 बॉल पर 13 रन की पारी खेले थे। पहला मैच में 16 रन देकर 1 विकेट निकाले, अगला मैच में 45 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 12 रन देकर 1 विकेट निकाले, 41 रन देकर 1 विकेट निकाले थे और आखिरी मैच में 31 रन देकर 3 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। ट्रेंट बोल्ट की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है, 21 रन देकर 2 विकेट निकाले थे, 35 रन देकर 1 विकेट निकाले, 19 रन देकर 2 विकेट निकाले, 34 रन देकर 1 विकेट निकाले और आखिरी मैच में 14 रन देकर विकेट लेस रहे थे। लास्ट आईपीएल फॉर्म की बात करें तो 21 रन देकर 2 विकेट निकाले, 14 रन देकर 1 विकेट निकाले, 28 रन देकर 1 विकेट निकाले, 38 रन देकर 1 विकेट निकाले और आखिरी मैच में 44 रन देकर 1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। KM आसिफ की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है, 15 रन देकर विकेट लेस रहे थे, अगला मैच में 23 रन देकर विकेट लेस रहे थे, फिर 49 रन देकर 1 विकेट निकाले, अगला मैच में यह बॉलिंग नहीं किए थे और आखिरी मैच में 33 रन देकर 3 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। लास्ट आईपीएल फॉर्म की बात करें तो 15 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 18 रन देकर 1 विकेट निकाले, 32 रन देकर 1 विकेट निकाले, फिर 43 रन देकर 2 विकेट निकाले थे और आखिरी मैच में यह आईपीएल मैच नहीं खेले थे। युजवेंद्र चहल की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है, 17 रन देकर 4 विकेट निकाले थे, 4 रन देकर 1 विकेट निकाले, 43 रन देकर 2 विकेट निकाले थे, 58 रन देकर 1 विकेट निकाले और आखिरी मैच में 30 रन देकर 2 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। लास्ट आईपीएल फॉर्म की बात करें तो 17 रन देकर 4 विकेट निकाले थे, 20 रन देकर 1 विकेट निकाले, 45 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 32 रन देकर विकेट लेस रहे और आखिरी मैच में 26 रन देकर 2 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। बैच पीरियर की बात करें, जो रूट है, ध्रुव जुड़ैल है विकेट कीपर, कुणाल सिंह राठौर है विकेट कीपर, एडम जंपा है, केसी करियप्पा है, नवदीप सैनी है, कुलदीप यादव है, मुरुगन अश्विन है, ओवेड मैक्रॉय है, संदीप शर्मा है, अब्दुल बसीत है, आकाश वशिष्ठ है, दोनोवन फडेरा है और कुलदीप सैन है। पंजाब किंग्स टीम की बात करें तो पहले डबल विन, फिर लॉस, फिर विन और आखिरी में एक लॉस। शिखर धवन टीम का कैप्टन है, इसका करेंट फॉर्म की बात करें तो 29 बॉल पर 40 रन की पारी खेले, 8 बॉल पर 3 रन की पारी खेले, 10 बॉल पर 8 रन की पारी खेले, 17 बॉल पर 7 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 45 बॉल पर 28 रन की पारी खेले थे। लास्ट आईपीएल फॉर्म की बात करें
तो 29 बॉल पर 40 रन की पारी खेले, 32 बॉल पर 39 रन की पारी खेले, 16 बॉल पर 19 रन की पारी खेले, 15 बॉल पर 21 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 16 बॉल पर 12 रन की पारी खेले थे। प्रभ सिमरन सिंह की बात करें या विकेट कीपर है इसका करेंट फॉर्म की बात करें तो 12 बॉल पर 23 रन की पारी खेले, 5 बॉल पर 3 रन की पारी खेले, 235 बॉल पर 148 रन की पारी खेले, अगला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे और आखिरी मैच में 33 बॉल पर 13 रन की पारी खेले थे। लास्ट आईपीएल फॉर्म की बात करें तो 12 बॉल पर 23 रन की पारी खेले, 11 बॉल पर 14 रन की पारी खेले, 16 बॉल पर 12 रन की पारी खेले, 7 बॉल पर 7 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 7 बॉल पर 4 रन की पारी खेले थे। भानुका राजापक्षा की बात करें तो यह विकेट कीपर है इसका करेंट फॉर्म की बात करें तो 32 बॉल पर 50 रन की पारी खेले, 18 बॉल पर 25 रन की पारी खेले, 25 बॉल पर 41 रन की पारी खेले, 14 बॉल पर 24 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 3 बॉल पर 1 रन की पारी खेले थे। लास्ट आईपीएल फॉर्म की बात करें तो 32 बॉल पर 50 रन की पारी खेले, 5 बॉल पर 4 रन की पारी खेले, 3 बॉल पर 1 रन की पारी खेले, 18 बॉल पर 27 रन की पारी खेले थे और आखिरी मैच में 28 बॉल पर 40 रन की पारी खेले थे। जितेश शर्मा की बात करें तो यह विकेट कीपर है इसका करेंट फॉर्म की बात करें तो 11 बॉल पर 21 रन की पारी खेले, 81 बॉल पर 79 रन की पारी खेले, 22 बॉल पर 19 रन की पारी खेले, 14 बॉल पर 12 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे। लास्ट आईपीएल फॉर्म की बात करें तो 11 बॉल पर 21 रन की पारी खेले, 7 बॉल पर 19 रन की पारी खेले, 34 बॉल पर 44 रन की पारी खेले, 5 बॉल पर 9 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 18 बॉल पर 38 रन की पारी खेले थे। सिकंदर राजा की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है 13 बॉल पर 16 रन की पारी खेले थे, 9 बॉल पर 18 रन की पारी खेले, 2 बॉल पर 0 रन की पारी खेले, 31 बॉल पर 22 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 2 बॉल पर 1 रन की पारी खेले थे। ये अपने टीम के लिए बॉलिंग किए थे जो 25 रन देकर 1 विकेट निकाले, अगला मैच में 55 रन देकर 2 विकेट निकाले, फिर 39 रन देकर 3 विकेट निकाले, 31 रन देकर विकेट लेस रहे थे और आखिरी मैच में यह बॉलिंग नहीं किए थे। लास्ट आईपीएल फॉर्म की बात करें तो 13 बॉल पर 16 रन की पारी खेले थे, अगला 4 आईपीएल मैच नहीं खेले थे। ये अपने टीम के लिए बॉलिंग किए थे जो 25 रन देकर 1 विकेट निकाले थे और आखिरी 4 मैच में यह बॉलिंग नहीं किए थे आईपीएल टीम के लिए। करेंट सैम करन की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है 17 बॉल पर 26 रन नॉट आउट की पारी खेले थे, अगला मैच में 6 बॉल पर 4 रन की पारी खेले, 16 बॉल पर 12 रन की पारी खेले, 11 बॉल पर 6 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 49 बॉल पर 23 रन की पारी खेले थे। ये अपने टीम के लिए बॉलिंग किए थे जो 38 रन देकर 1 विकेट निकाले, 28 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 15 रन देकर 1 विकेट निकाले, 18 रन देकर विकेट लेस रहे थे और आखिरी मैच में 51 रन देकर 2 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। लास्ट आईपीएल फॉर्म की बात करें तो 17 बॉल पर 26 रन नॉट आउट की पारी खेले थे, अगला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, फिर 4 बॉल पर 4 रन की पारी खेले थे और आखिरी 2 मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे। पहला मैच में यह बॉलिंग किए थे जो 38 रन देकर 1 विकेट निकाले थे, अगला मैच में 55 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 56 रन देकर विकेट लेस रहे, 34 रन देकर 3 विकेट निकाले थे और आखिरी मैच में 30 रन देकर 1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। शाहरुख खान की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है 7 बॉल पर 11 रन नॉट आउट की पारी खेले थे, 77 बॉल पर 52 रन की पारी खेले, 1 बॉल पर 0 रन की पारी खेले थे, 49 बॉल पर 24 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे। लास्ट आईपीएल फॉर्म की बात करें तो 7 बॉल पर 11 रन नॉट आउट की पारी खेले थे, 10 बॉल पर 19 रन की पारी खेले, 20 बॉल पर 12 रन की पारी खेले थे, फिर 28 बॉल पर 26 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 6 बॉल पर 15 रन की पारी खेले थे। राहुल चहड़ की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म 12 रन देकर 1 विकेट निकाले थे, 56 रन देकर 2 विकेट निकाले, 48 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 24 रन देकर 1 विकेट निकाले और आखिरी मैच में 24 रन देकर 5 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। लास्ट आईपीएल फॉर्म की बात करें तो 12 रन देकर 1 विकेट निकाले थे, 19 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 37 रन देकर 2 विकेट निकाले, 39 रन देकर विकेट लेस रहे थे और आखिरी मैच में 11 रन देकर विकेट लेस रहे थे। हरप्रीत बरार की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है 7 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 45 रन देकर 1 विकेट निकाले, 22 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 41 रन देकर 1 विकेट निकाले और आखिरी मैच में 38 रन देकर 2 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। लास्ट आईपीएल फॉर्म की बात करें तो 7 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 26 रन देकर 3 विकेट निकाले, 29 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 33 रन देकर 1 विकेट निकाले और आखिरी मैच में 20 रन देकर विकेट लेस रहे थे। नाथन एलिस की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है 27 रन देकर 1 विकेट निकाले थे, 13 रन देकर 2 विकेट निकाले, 38 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 144 रन देकर
एक विकेट निकाले और आखिरी मैच में 59 रन देकर 4 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। लास्ट IPL फॉर्म की बात करें तो 27 रन देकर 1 विकेट निकाले थे, 40 रन देकर 3 विकेट निकाले, 15 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 46 रन देकर विकेट लेस रहे और आखिरी मैच में 12 रन देकर 1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। अर्शदीप सिंह की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है, 19 रन देकर 3 विकेट निकाले थे, 26 रन देकर 1 विकेट निकाले, 16 रन देकर 2 विकेट निकाले, 7 रन देकर 2 विकेट निकाले और आखिरी मैच में 51 रन देकर 1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। लास्ट IPL फॉर्म की बात करें तो 19 रन देकर 3 विकेट निकाले थे, 25 रन देकर विकेट लेस रहे, 37 रन देकर 3 विकेट निकाले, 27 रन देकर 1 विकेट निकाले और आखिरी मैच में 29 रन देकर 2 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। बैच प्लेयर की बात करें, अथर्वा टैड है, हरप्रीत सिंह है, बलतेज सिंह है, ककीसो रवड़ा है, विद्वात कवेडप्पा है, राज बाबा है, टीम लिविंगस्टन है, ऋषि धवन है, शिवम सिंह है, मोहित राठी है, मैथ्यू शॉर्ट है। फाइनल टीम की अपडेट आपको टेलीग्राम की चैनल पर मिलेगा। टॉस एंड प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप तक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। प्लेयर की बात करें तो विकेट कीपर से जॉस बटलर को रखें, संजू सैमसन को रखें और भानुका राजा पक्षा को रखें। बैट्समैन से शिखर धवन को रखें, सिमरन हेटमायर को रखें और यशस्वी जायसवाल को रखें। ऑलराउंडर से सैम करन को रखें और जेसन हॉल्डर को रखें। बॉलिंग से ट्रेंट बोल्ट को रखें, अर्शदीप सिंह को रखें और युजवेंद्र चहल को रखें। कैप्टन की बात करें तो कैप्टन जॉस बटलर है और वाइस कैप्टन संजू सैमसन है। टीम प्रीव्यू की बात करें तो कैप्टन जॉस बटलर है और वाइस कैप्टन संजू सैमसन है। यह फाइनल टीम नहीं है दोस्तों, फाइनल टीम आफ्टर टॉस के बाद दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है।